So I cannot comment on this, but I just want to say that whatever has to happen, happened. Cricket Australia, they took their decision. ICC, they took their decision. But it's time to respect Smith as a batsman, as a player, and give him that space now. So, So yeah. if you want to see historically, if you want to just look at it historically, then obviously it wasn't. So that's just Obviously, it wasn't. yes. Ah, so I mean, it was too harsh, given historically whatever we looked at. Yeah. my question for Alex, sir. Sir, वैष्णव वंश की अगर बात करते हैं तो यूसुफ पठान और करुण नायर, संजू सैमसन ऐसे प्लेयर्स जिनको पहले कोई नहीं जानता वैष्णव वंश से पहले, इतना मतलब वैष्णव वंश के बाहर निकल गए जो इंडिया को भी टीम से भेजा, तो इस बार कौन लग रहा है आपको अपनी टीम से पाकिस्तान की, कौन से प्लेयर्स हैं यू जो ऐसा जो लग रहा है कि इंडिया मतलब खेल सकते हैं? आपको लगा था जब संजू सैमसन जब आए थे टीम में तब आपने उनका नाम नहीं लिया था? तो ऐसे नाम लेना देखिए मुश्किल होता है कि सीजन के पहले कौन अच्छा करेगा। जैसे मैंने बताया कि जितने भी यंगस्टर्स हैं सारे अच्छे हैं और उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आके उनका टैलेंट शो करने के लिए, क्योंकि IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है कि वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं और इतने क्वालिटी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो सभी के लिए जिस चीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छा अच्छा मौका है कि अच्छा परफॉर्मेंस करे। किसी के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है, जितने भी यंगस्टर्स हमारे पास है किसी के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है। हमेशा से रॉयल्स में यही बताया गया है कि जब मैं नया आया था रॉयल्स में कि अपना गेम जाके एक्सप्रेस करो, आपकी जो बैटिंग है या बॉलिंग है जो आपके प्लान से जाके एक्सप्रेस करो। बट किसी एक का नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई एम श्योर जितने भी सारे यंगस्टर्स है कैपेबल है आगे जाके खेलने के लिए। एंड वी हैव अ ग्रेट कोचिंग स्टाफ ऑल्सो, जो जो उन्हीं सभी क्रिकेटर्स को, जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको नर्चर कर रहा है। अगर आप इतिहास भी देखोगे, बहुत यंगस्टर्स और जुबेन सीजन एक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चाहे आप वॉटसन को ले लें, चाहे अभी आपने जो दो तीन नाम लिए, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो जो आई राजस्थान रॉयल्स में खेलने के बाद कंट्री को रिप्रेजेंट किए हैं। उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ हमारे कोचिंग स्टाफ का भी है, तो उम्मीद यही करेंगे कि अभी भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें से कुछ अच्छे खेलें और आगे अपने देश का प्रतिनिधित्व करें। आई थिंक बैलेंस जो आपके पास है स्मिथ के नहीं होने से आपने एक एक्स्ट्रा थॉट जरूर दिया होगा कि टीम जो आपको मिली है, तो जो बैलेंस है राइट बैलेंस आप मानते हैं परफेक्टली बैलेंस है? नहीं, अभी फिलहाल मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी ये टूर्नामेंट शुरू होने के लिए काफ़ी समय है। हमारे पास प्रैक्टिस सेशंस हैं, हम कुछ प्रैक्टिस मैच खेलने वाले हैं, तो उसके बाद तय होगा कि क्या राइट कॉम्बिनेशन है, किस किस विकेट के ऊपर हम खेलने वाले हैं, क्या कंडीशंस हो गए, तो कॉम्बिनेशन उस तरीके से हम सोचते हैं। तो अभी कहना एज ए कैप्टन बहुत मुश्किल है। यस यस डेफिनेटली सोर्सेज जो भी हम सोच रहे हैं सारे हमारे पास अवेलेबल है। वी टुक अ रिप्लेसमेंट जस्ट नाउ फॉर स्मिथ, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। पहले भी राजस्थान रॉयल्स टीम एक बार जीत चुकी है, इस बार कौन सी पोजीशन पर देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की, कौन सी पोजीशन पर? ये IPL खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से पोजीशन पे आप देखेंगे। बट देखिए कोशिश एज ए टीम यही होगी कि हम अच्छा क्रिकेट खेलें और एक हमारा 100% है, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है एक दो ओवर में गेम पूरा चेंज हो जाता है बैटिंग टीम के साथ या बॉलिंग टीम के साथ। एक दो ओवर अच्छे गए किसी के भी तो टीम गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हमारी कोशिश पूरी यही होगी कि हम किसी किसी भी वक्त गेम को लाइटली नहीं लेंगे, हम अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट देके खेलेंगे, बट एट द सेम टाइम जो हमारा खेल है हम उसे बैक करेंगे। दो साल के बैन के बाद वापस से री एंटर हो रहे हैं आप, और SM's जो ग्राउंड है होम ग्राउंड जो है उस पर 100% भी आप लोगों ने दिया है, और कई IPL ऐसे हैं जिस पर 100% मैच भी जीते हैं, तो ये 7 मैच कितने इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि ये 7 मैच डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे और कहाँ तक नहीं पहुंचेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपने 100% नहीं दिया, तो आप क्या माइंड गेम सोचते हैं अपने होम ग्राउंड को लेकर? नहीं देखिए जयपुर में आके जरूर बहुत खुशी हुई है, यहाँ पे आके आज हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे आने के बाद एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब सा फील हुआ मुझे, और ऑटोमेटिकली बैटिंग करने का इतना मन करता है, और वही हमारी बात हुई थी प्रैक्टिस सेशन के मॉर्निंग में। तो जरूर जो रिकॉर्ड रहा है हमारा जयपुर में बहुत अच्छा रहा है, बट एक वापस एक नई शुरुआत है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है आपको अच्छा आप करें या खराब करें आपको अगले दिन स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ती है, तो जरूर ये 7 गेम जो होम गेम हमारे होंगे वो इम्पोर्टेंट है, बट इक्वली इम्पोर्टेंट जो हम अवे गेम्स खेलने वाले हैं
वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक शुरुआत, आईपीएल की शुरुआत मैं मानता हूँ कि हमेशा अगर अच्छी हो तो आपको मोमेंटम मिलता है आगे जाने वाले मैचेस के लिए। तो कोशिश जारी रहेगी कि अच्छा खेले, अच्छा प्रदर्शन करे और हमारा बेस्ट है। काफी लंबे समय से पिच पे मैचेस भी नहीं हुए और आप एक पिच पूरी तैयार हो चुकी, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? सो वी बीन हियर फॉर द कैंप अबाउट अ मंथ अगो एज वेल। द पिच इज, आई मीन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू तापोश, द पिच इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इट इज आउटस्टैंडिंग, द आउटफील्ड इज आउटस्टैंडिंग। वी कैन नॉट इवन इमेजिन the state of the pitch and the outfield at the moment. It is, it's really one of the best outfields we've ever seen. So I don't know how it has happened other than with Tapos diligently preparing it, but we are actually surprised how good it is. Baller jyada expectation kar sakte? Sorry? Baller jyada expectation kar sakte? No, we did. It's absolutely fair. We were just discussing it with sir as well. It looks a very fair wicket, and that's what we want to play. We want to play fair cricket. Balance the cricket, you know, bowlers will have an opportunity, batsmen will have an opportunity, and that's what Jaipur brings. It's absolutely fantastic cricket wicket. नहीं, एक मिनट में उनका सवाल लेता हूँ, आपने पूछा है ऑलरेडी। मेरा सवाल ये है कि क्रिकेट बहुत लोकप्रिय गेम है और डे बाई डे इसका इंक्रीज हो रहा है, आज बच्चे बड़े से इंटरेस्ट होते हैं। हाल ही में इस तरह घटना, आपसे जाना चाहता हूँ क्या इस तरह की घटना है जो आपसी विश्वास को कमजोर करती है, धक्का लगता है? इसका जवाब तो मैंने दिया है, जो होना था वो हो गया है। उसको अभी यहाँ पे हम बैठ के कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन देखिए कोशिश, जो हम जाते हैं क्रिकेट फील्ड पे, तो एज अ राजस्थान रॉयल्स हमारी कोशिश वही होगी कि हम कैसा बेस्ट है हमारे टीम के लिए, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एज ए टीम हम कैसे खेल सकते हैं। तो जो हुआ है, मैं उसके बारे में अभी बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो मुझे बताना था वो मैंने बताया कि जो होना था, डिसीजंस लेने थे, आईसीसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन लिए। जस्ट मैं फिर से कहूंगा कि स्मिथ को एज अ प्लेयर, एज अ बैट्समैन, हम सब लोग रिस्पेक्ट दें। जिस तरीके का उनका रिकॉर्ड रहा है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, तो लेट्स रिस्पेक्ट दैट। आई थिंक इट्स ऑल्सो पार्टली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ एज अ फ्रेंचाइज। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, इज the way we want to play the game. So we are actually going to go out there and try and prove to the world of cricket and bring these fans back in. We are taking that responsibility. I think it is every team's responsibility, every individual who plays the game, it's our responsibility. We are the custodians of this game, and so we will definitely try and look at it in a way where we bring the fans back. We definitely are going to play a brand of cricket, and the way we play and the values that we bring, you will definitely see the fans coming back, and if not more, they'll definitely be, you know, 10 times more. सर पहले मैच के ऊपर पता चलेगा आपको, ये यहाँ पे मैं नहीं, ये हम, ये आपको जब आप पहला मैच देखे, मैं चाहता हूँ कि आप रॉयल को सपोर्ट करें, टीवी ऑन करके मैच देखे, या हैदराबाद में आप आए मैच देखने के लिए, तो आपको पता चलेगा। Not at all. I'll tell you why. When you go into an auction, you're always looking for backups. And when you have that strategy in place right at that point, you can't be sitting here decide, you know, saying that, okay, yeah, there are certain players in the world, an all-rounder, for example, who you don't have that many of. That person you will miss. Batsmen, you can take out a list of, you know, quality batsmen in world cricket. We have them in India by the dozens. So we will not miss anybody. Obviously, you miss a stature of a player, of Smith, and the quality he brings. But as a team and a unit, we're absolutely prepared. And we've obviously got the option of a replacement in Klassen. And so that has taken care of that as well. So strategically, tactically, there is absolutely no change. No huge shoes to fill in. Sorry? No big shoes to fill in for you. No, not at all. We'll definitely miss
Yeah, I mean, that we've already said, yeah, but yeah, we'll definitely miss him. That's a given. Yeah. I mean, I hope you understand. You yeah. know, if you understand the game, you understand yeah, that much, yeah. then, yeah. Yeah. Will you consider taking a leaf out of Kohli's book as far as his aggressive captaincy is concerned? See, Virat and me, we both are completely different. For me, what brings best out of me is my calmness, my composure on the field. For Virat, his aggression, his aggressive attitude brings best out of him as a captain, as a batsman. So we both are completely different person. Yes, we talk a lot on and off the field during the game, but yeah, we both, Virat and me, we both are completely different a person as a batsman also, and captainship wise he is completely different. It's a hard tournament. Yeah. Will you be able to keep your composure? We'll have to wait and watch for that. आजकल पहले सीजन से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है पहली बारी टीम बेटर थी, इस बारी टीम बेटर होगी? ये कहना देखिए बहुत हमेशा से मुश्किल रहा है. ओपिनियंस लोगों के हमेशा से चेंज होते हैं. अगर टीम अच्छी करती है तो कहते हैं कि कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है, ये टीम बहुत अच्छा लगती है. सेम टीम अगर खराब करती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, उसके पहले वाली टीम अच्छी थी. तो ओपिनियंस हमेशा से चेंज होते हैं, बट एज ए टीम इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे एक दूसरे का सक्सेस इन्जॉय करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. और राजस्थान रॉयल्स में हमेशा से एक कल्चर रहा है कि एज अ हम यूनिट खेलते हैं, हम एक दूसरे का परफॉर्मेंस इन्जॉय करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर नहीं हंसते. तो आई थिंक ये जो कल्चर बिल्ड हुआ है राजस्थान रॉयल्स में बहुत अच्छा कल्चर है. तो एक ये आने वाला समय बता सकता है कि कैसे हम खेल रहे हैं. और आई थिंक ये कंपैरिजन जब होती है, मैं नहीं मानता हूँ इस कंपैरिजन को, क्योंकि पिछली जो टीम थी उसका उन टीम के कैरेक्टर्स अलग थे, हर एक की बैटिंग आई मीन क्रिकेटिंग स्टाइल अलग थी. अभी जो टीम है उनके कैरेक्टर और उनकी स्टाइल कम्प्लीटली अलग है. ये राजीव जी बता सकते हैं. नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल जैसे पहले सीजन से हमने कई बार पिंकी डॉल जैसा बता रहे कर रहे हैं, तो हम इस बार भी कई नई चीजें करेंगे. वो समय आने पर आपको पता लगेगी कि कुछ कुछ ऐसे सरप्राइजेस हैं, वो सरप्राइजेस रहना ही ज्यादा अच्छा है. हमें भी So how do you think like sticking to one franchise will shape up your career for T20 as well? So what are your views on this? No, I said this many times. I mean, they gave me the platform to express myself in the shorter format and gave me this opportunity to express myself. So as I said that this is my family, and when I came here yesterday, I landed yesterday last evening, and I felt like felt this positive vibe. So RR has been really, really great. I just want to thank all this Zubin, Rajiv ji, Ranjit sir, Raghu was there last time. So Raghu and I mean Rahul Dravid, I mean playing under him was learned a lot. And I remember first Shane Watson actually mentioned my name to Rahul Dravid when we were playing against Australia in Chandigarh. And I got some runs in that game. So Shane Watson recommended my name to Rahul Dravid, and that's when my journey started with Royals. So yeah.